अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक प्रसूता बेटी को जन्म देने के बाद लापता हो गई है। अस्पताल के रिकॉर्ड में महिला का नाम सरस्वती पत्नी गोलू कोरी निवासी हटा दमोह दर्ज है। वह 8 नवंबर को अपनी मां यशोदा के साथ जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसने यहां एक बेटी को जन्म दिया था। जन्म के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची स्वस्थ नहीं थी, लिहाजा उसे SNCU वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। मां को मैटरनिटी वार्ड में ही रखा गया। बुधवार को जब अस्पताल का स्टाफ बच्ची की मां को देखने वार्ड में पहुंचा तो वह नहीं मिली। अस्पताल में उन्हें तलाशा गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। प्रसूता की मां भी नहीं थी। पड़ताल कार्रवाई की गई तो पता चला प्रसूता 10 नवंबर को ही अपनी मां के साथ अस्पताल से चली गई थी, जबकि उसे पता था कि उसकी बच्ची अस्पताल के SNCU प्रभारी डॉक्टर विजेता राजपूत ने बताया कि गर्भवती के साथ यशोदा नाम की एक महिला भी थी जिसने प्रसूता को अपनी बेटी सरस्वती बताया था। सामान्य प्रसव से जन्मी बालिका का वजन सिर्फ 1 किलो 300 ग्राम था, इसलिए उसे नवजात शिशु चिकित्सा वार्ड में रखा गया था। महिला को 10 नवंबर को छुट्टी हो गई थी। उसने उस समय अपने पास कोई कागजात न होने की जानकारी देकर डिस्चार्ज टिकट लिया और SNCU में अपनी बेटी को छोड़कर चली गई। तब से अब तक बालिका के माता पिता अथवा परिवार का कोई भी सदस्य उसकी खैर खबर लेने नहीं आया है। डॉक्टर राजपूत ने बताया कि उसकी जानकारी सिविल सर्जन तथा अस्पताल पुलिस चौकी को दी गई है। एक महिला जिसका नाम उसके द्वारा बताए गए अनुसार सरस्वती कोरी और पिता का नाम जो उसने लिखवाया था गोलू कोरी, ये जो है प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय सतना में भर्ती हुई थी। महिला उम्र इसने 22 वर्ष बताई थी और पता इसने बताया था हटा दमो। प्रसव सामान्य प्रसव हुआ, बच्चा जो है लड़की हुई प्रसव के उपरांत, जिसका वजन कम था 1 किलो 1300 ग्राम और कम दिन और कम वजन होने की वजह से बच्चे को इलाज के लिए नवजात गृह निकाय में भर्ती किया गया। तो 8 तारीख से लेकर अभी तक जो है बच्ची भर्ती है, वर्तमान में स्थिति नाजुक है और 10 तारीख को जो है माँ की छुट्टी प्रसव पोस्टनेटल वार्ड से माँ की छुट्टी हो गई थी, पर SNCU वार्ड वो लोग नहीं पहुँचे और जब हम लोगों ने संपर्क किया तो किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया।